गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोगों ने लिटिल बाय लिटिल पोयम पढ़ ली थी और हम इसे समझ भी गए थे। बहुत ही अच्छी पोयम थी। एक अकॉर्न की कहानी थी कि एक अकॉर्न का सीड कैसे स्लोली स्लोली एक बड़ा माइटी पावरफुल ओक ट्री बन जाता है। ठीक है, तो हमने इसकी वर्ड मीनिंग कर ली थी बच्चों, और आज हम रीडिंग इस फन में आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस कर लेंगे। मैं इसके आंसर साथ में दे रही हूँ, लेकिन आप समझ पाओ क्वेश्चन और आंसर, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। रीडिंग इज फन में फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू। उस पेड़ का नाम बताइए जिसमें कि अकॉर्न का ट्री बदल जाता है। अकॉर्न जो होता है वो बड़ा होकर के कौन सा पेड़ बन जाता है? तो सभी को पता है कि वो ओक ट्री बन जाता है। ठीक है, तो अकॉर्न गोज इन टू एन ओक ट्री। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। एक बीज को बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हम सभी को पता है, हम सभी ने कभी ना कभी बीज लगाए हैं या पौधे लगाए हैं, तो हमें उन्हें बड़ा करने के लिए हमें उन्हें मिट्टी में लगाना पड़ता है। तो उन्हें मिट्टी चाहिए, सॉइल चाहिए, हमें उन्हें पानी देना पड़ता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें खुले में लगाएं, ताकि खुले आसमान के नीचे लगाएं, ताकि कि उन्हें एयर मिल सके, उन्हें हवा मिल सके। ठीक है, तो अ सीड नीड्स एयर वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोयम। इस पोयम में आपको कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मिल रहे हैं? देखो बच्चों, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हों। जैसे कि हमने पोयम पढ़ी और हमें समझ में आया कि अकॉर्न स्लोली ग्रो करता है। स्लोली मतलब धीरे धीरे। ठीक, तो धीरे धीरे क्या हुआ? एक एक्टिविटी हुई। ठीक है, इसी तरह से इम्प्रूविंग, सुधार करना। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट भी एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम और भी वर्ड्स इसमें हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बना करके दे दिया है आंसर, आप वहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, सिप पानी पीना, उसमें लिखा है ना, वो ड्यू को सिप करता है, तो सिप करना भी एक एक्टिविटी है। आगे हम आते हैं टॉक टाइम पे। ठीक है, इसमें दो फोटो दी गई है ट्री की। एक में हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक में ट्री हैप्पी है और दूसरी वाली फ़ोटो में ट्री सैड है। हम सभी देख सकते हैं यहाँ पर, इट्स क्वाइट विजिबल, सभी को साफ दिख रहा होगा कि ये वाला जो ट्री है हमारा पिक्चर वन में, ये ट्री हमारा हैप्पी है, वेयर एज जो हमारा नेक्स्ट ट्री है ये बहुत ही सैड है ना। तो अब ये ट्री हैप्पी क्यों है, ये हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। तो हमारा ये ट्री हैप्पी क्यों है, ये हमें लिखना है। तो फर्स्ट ट्री, जैसा कि हम सभी देख सकते हैं, ये वाला ट्री, ये ट्री हमारा हैप्पी है, वेयर एज हमारा ये वाला ट्री बहुत सैड है। तो हम यहाँ पर लुक लेस राइट पे आ जाएंगे। लेट्स राइट में है, लुक एट पिक्चर वन, राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। तो ट्रीज़ हमें क्या क्या देती हैं? तो हम सभी को पता है ट्रीज़ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन देती हैं। ठीक है, हमें शेड देती हैं, छाया देती हैं, हम ट्री के नीचे बैठते हैं जब हम थक जाते हैं खेल के, है ना। और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स देती हैं, और हमें वुड देती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उस पे चिड़िया रहती है, बर्ड्स रहती हैं, तो हमें वो नेचुरल ब्यूटी देती हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके साथ अगर हम नीचे आ जाएं, तो यहाँ देखिए, लुक एट पिक्चर टू, राइट थ्री सेंटेंसेज ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। हम ट्रीज़ को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं? तो बच्चों, हम सभी को पता है कि हम ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। पहला कि हम ट्रीज़ बहुत कम लगाते हैं, और जहाँ पे ट्री लगी हुई है वहाँ पे हम ट्री को कट कर देते हैं। क्यों कट कर देते हैं? अगर हमें रोड बढ़ानी है, हमें घर बनाना है, तो हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं, हम लकड़ियों को काट देते हैं, उन लकड़ियों से हम अपने घर में फर्नीचर बनाते हैं। तो लकड़ियों को काटने से क्या होता है? जो बर्ड उस पर रहती है उसको नुकसान होता है, वो वहाँ से उसका घर हम छीन लेते हैं। तो इस तरह से हम ट्रीज़ को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, हम इतना पॉल्यूशन करते हैं कि हमारी ट्री को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से हम दो तीन पॉइंट्स हैं, मैंने साथ में आंसर लगा दिया है, आप वहां से कॉपी कर लेंगे। ठीक है,
तो इसके साथ ही बच्चों हमारी इतनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं डालते हैं, आप इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, अपनी कॉपी में ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखेंगे इसे, और इसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनटिल देन टेक केयर एंड थैंक यू क्लास।